हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन माय चैनल अनिल अरमीरा। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर कर दें और भी लोगों के साथ जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो आज फिर मैं क्यूनेट से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ जो कि प्रेजेंटेशन का होता है। अभी तक मैंने आपको एडिफिकेशन तक का पार्ट बताया था, अब इसके बाद आपके लिए मैं लाया हूँ जो है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं लोग, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू टेक प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं। ठीक है ना, और प्रेजेंटेशन लेने का तरीका क्या है। आई हैव टू प्रेजेंट विल ऑलवेज बिकॉज एवरी वन ऑलवेज कम्स विद होस्ट। ठीक है ना, एंड आई हैव टू ऑलवेज गिव माई 100% टू एवरी प्रोस्पेक्ट with honesty. 24/7 I will always be available as a presenter. यानी कि ये लोग बोलते हैं कि मैं 24/7 आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। ठीक है ना, I have to take my responsibility. I have to believe first in myself. I have to always humble. I have to never underestimate myself. ठीक है, always talks with the heart. ये दिल से बात करनी है, जिससे भी करनी है। ठीक है ना, I have to always is zone of business and right applying. ठीक है ना, और मुझे क्या है अपने इस जो है बिजनेस के अंदर अपने जोन में और राइट अप्लाइंग के साथ करना है। ठीक है ना, माई फिजिकल अपीयरेंस शुड बी परफेक्ट। ठीक है ना, मेरी जितनी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। माई वर्किंग स्टेशन शुड बी परफेक्ट, लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, टेबल, चेयर एंड ठीक है ना मिड सेट, जो यानी जितना भी हमारा, जैसा मेरा आप सेटअप देख रहे हो अभी यहाँ पर, ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे मतलब आपका सेटअप कैसा होना चाहिए। पीछे आपके पीछे दीवार होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए पीछे आपका, एक सेटअप, एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, और अच्छा एक लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास कोई पीसी होना चाहिए जिसके ऊपर आप अच्छे से क्या जूम मीटिंग जो है अटेंड कर सको। ठीक है, आई हैव टू नो हाउ टू रीड फेस। ठीक है ना, अब मुझे पता होना चाहिए सामने वाले का फेस कैसे रीड करना है, उस बारे में क्या है मुझे पता होना चाहिए। ठीक है ना, डू ऑलवेज रिमिट्स इस जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है, फर्स्ट ऑलवेज कनेक्टअप, सबसे पहले क्या होगा कनेक्टअप, कि आपको कनेक्टअप कैसे करना है, हाय हेलो करना है सबसे पहले, सब सिखाया जाएगा आपको प्रॉपरली उसमें। आई हैव टू मेंटेन जो है मुझे उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है, कैसे आपको चीज़ें करनी है, आस्क सामने वाले से, आस्क फॉर नेम, आई हैव टू बी एक्साइटेड। ठीक है ना, और उसके आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, ये सारी चीज़ें वो उससे पूछनी है, आप इनको कैसे जानते हो और इन्होंने आपको क्या बताया बिजनेस के बारे में, तो ऐसा आपको प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर। उसके बाद आई ब्रेकिंग, यानी कि आपकी आई जो देखनी है उनके सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर अपने सारी चीज़ें यहाँ पर पूछनी है, उसकी क्या चल रहा है उसके माइंड में, क्या वो कहना चाहता है, क्या उसकी जो है मतलब कि थिंकिंग है, वो सारी आपको क्या यहाँ पर उसको पता करना, अपने कि सामने वाला क्या सोच रहा है, यानी कि उसके माइंड को पढ़ना है आपको। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे करवाई जाएंगी। आपको ऐसे प्रेजेंटेशन जो है आपके हुई भी होगी कई लोगों की, तो वो समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है ना, मुझे कभी भी स्टक नहीं होना है, कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन होते हैं उस टाइम स्टक नहीं होना है। ठीक है ना, आई हैव टू ऑलवेज ठीक है ना, तो बी कॉन्फिडेंट एंड मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर, जो है जो आपको जो ड्रेस है पहन के आना है वो प्रॉपरली आपको वियर करना है, कैसा आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के बैठना है, आपको अपना जो बैकग्राउंड है जो और जो अपना जो प्रॉपर ड्रेस है उसको आपने मेंटेन करना है यहाँ पर। ठीक है ना, आई हैव टू फाइंड द वाई ऑफ द प्रोस्पेक्ट, आपको मतलब कि आप जिस टाइम प्लान ले रहे हो तो आपको सामने वाले का वाई यानी उसका रीज़न आपको पता करना है। ठीक है ना, कि वो उसका रीज़न क्या है इस बिज़नेस को करने का, इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। ठीक है ना, आई हैव टू की फुल अटेंशन ऑन द वाई, फुल वाई पे पूरा फोकस रखना है। इस यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन लेते हैं तो उनका वाई के पूरा फोकस होता है, वाई वाई के ऊपर पूरा फोकस करवाते हैं आपको। ठीक है ना, और प्रोस्पेक्ट एंड टॉक ऑन दैट रीज़न, और उसी रीज़न पर क्या बात करनी है। ठीक है सर, आपको बिजनेस क्या करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सामने से ये क्वेश्चन होता है कि भाई आपको बिजनेस क्यों करना है। ठीक है ना, वाई यानी कि नहीं बता रहा है तो उसे फील, फेल्ट और फाउंड करवाना है, यानी कि तीन चीज़ें करानी है उसको, फील कराना है, फेल्ट कराना है और फाउंड कराना है, ये तीन इनके बेसिक फंडे हैं जो कि फील, फेल्ट एंड फाउंड करवाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ,
ठीक है, और आपके बारे में जो है अपने बारे में उसको क्या है रियलिटी बतानी है उसको, ठीक है ना, और रियलिटी जो उसको अपने बारे में बताना ना, और उसको रियलिटी में कुछ चीज़ें जो झूठ नहीं बतानी है उसको, ठीक है ना, सामने वालों को। जैसे माय नेम इज़ अनिल कुमार, मैं मतलब ये करता हूँ और मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो इशू भाई, ठीक है ना। देन अगेन उसको क्या है ये पूछना है कि सर आप जो है इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हो, सर आपका रीज़न क्या है इस बिज़नेस को करने का। इमोशनली इसको टच देना है, यहाँ पर इनके कहने का मतलब इसको इमोशनली टच देना है ताकि वो अपने रीज़न और रीज़न को क्लियर कर सके। सर देखो इसलिए पैसा अर्न करना है क्योंकि लाइफ में इतना सब कुछ जो है हमने करके देख लिया, क्या हम कुछ कमा पाए, कुछ कर पाए अपने लाइफ के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वहाँ पर एनालिटिक होती है। उसके बाद कैटेगरीज कुछ होती हैं इसके अंदर जो है, जिसके लिए एनालिटिकल करते हैं कि ये पूरा जो जो एनालाइज करेगा बाल की खाल को जो निकालेगा, तो ये जो है इनका और जो है थिंक करने वाले जो लोग होते हैं, जो थिंक कर सोचते हैं, ठीक है ना, इनसे जो है बहस नहीं करनी है, जो ज़्यादा सोचते हैं उनसे बहस नहीं करनी है। हाउ टू गेट नो अबाउट देम, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है आपको करैक्टराइज़ करना है कि ये लोग जो है ये लॉजिकल वाली जो है चीज़ें जो पूछेंगे, जो कि हर बात पर जो है क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हर बात पर क्वेश्चंस करते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है इन्होंने, तो उसको हैंडल करने के लिए जैसे कि काम बता जो है जिसे जो है काम कम बातें जो है उनसे करनी है आपको, तो कम बातें जो करते हैं जैसे फैक्ट पर जो है फिगर पर, या फिर जो है उनके के ऊपर जो है बात करनी है, उनके फैक्ट पर बात करनी है, जो बिल्कुल जो है परफेक्शन के साथ जो है काम जो है उनका जो है उनके कम उनके साथ बोलना परफेक्शन के साथ, मतलब उससे ज़्यादा बात नहीं करनी, कम आपने बातचीत करनी है, मतलब इनका कहने का मतलब यही है। उसके बाद क्या होता है आपका जो है अमेबल जो रहता है इनका, ठीक है, अमेबल में क्या करो सुशील व्यक्ति होते हैं जो, यानी कि सुशील आदमी हो जाते हैं, इमोशनल पर्सन जो होते हैं, दो पर्सन जो है सपोर्टिव होते हैं, यानी कि सपोर्टिव मोल होते हैं, तो उनको साथ होगा क्या उनको क्या अपने सॉफ्ट उनका जो नेचर होगा, तो दे विल बी टॉक इन द स्टोर ऑफ स्टोरी वे में आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। उनको हैंडल करने के लिए क्या करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि आई हैव टू गिव द मॉरल सपोर्ट देनी है उनको, एंड आई हैव टू लाइक हिज रीज़न एंड गिव हिम टू द बेस्ट बिलीफ एंड रिलेशनशिप, उसको क्या देना है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा अगर ड्राइवर इन स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जो होते हैं, बिल्कुल फेस जो है सामने से सामने, मतलब हमेशा उल्टा क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेट अवे आपसे क्वेश्चन जो पूछते हैं, ठीक है ना, जैसे कि काम हो गया, अर्निंग हो गया, बिजनेस क्या है, ठीक है ना, मुझे आप बस बताओ कि बिजनेस क्या है, क्या है ये, ठीक है ना। तो उसको हैंडल करना, तो इस पर्सन को क्या करना है, कट टू कट बात करनी है, सीधा शॉर्ट एंड स्वीट फैक्ट में जो है फिगर पर बात करनी है सीधा, कि ये बिजनेस जो है ESBI शॉर्ट जो है वो इनको बताना है क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं वो जो है रिक्वायर जो है इसको रिक्वायर्ड हैं, तो चार से जो है पांच जो है आप जो इसके अंदर इश्यूज हैं जो पर्सन को जो रिक्वायर्ड हैं, जो सारी बातें जो बिल्कुल आप क्लियरिटी जो है, यानी उसको ये है ऊपर जो है करना है, उसको क्लियर करना है सारी बातों को, तो ये बिज़नेस जो है ये बिज़नेस जो है ये ऐसे मतलब कि जो है इतना अमाउंट आपका लगेगा इसमें, ये बिज़नेस ऐसा है, इसमें ऐसे काम होगा, ऐसी चीज़ें होगी, तो वो सारी चीज़ें उसको आपने बतानी है, सीधी सीधी सी कट टू कट उससे बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेसिव में जो अंकल टाइप के होते हैं, जो कि ऐसे ही स्टोरी जो सुनाते हैं और ज़्यादा बोलने वाले जो इंसान होंगे ना, उसको क्या करना है, रोकना है स्टार्टिंग में ही आपको, उसको हैंडल करने के लिए क्या करना है, तो आई हैव टू कट हिम, चलो सर बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, आई हैव टू गिव इमोशनल टच एंड शॉर्ट एंड सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, उसको इमोशनल टच देना, आई हैव टू ऑन ऑल सब्जेक्ट स्किल्स एंड 90% क्या करना है उसके प्लान को क्या है क्लोज कर देना, ठीक है ना। इतनी जो है ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है ना यहाँ पर उतना ही ये बोलते हैं कि उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं ESBI को लेकर जो है बिल्कुल सिंपल जो है रखना है। ESBI के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसकी अलग से एक और वीडियो बना दूँगा आपको, मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, अगर आपने वहाँ से जाकर नहीं देख सकते, और दोबारा से मैं वीडियो ESBI की बना दूँगा, अगर आपको कमेंट करोगे तो मैं जरूर बताऊँगा ESBI है क्या चीज़, ठीक है ना। तो इतना रखना है बस, आपको कहाँ और कैसे जाना है वो सारी चीज़ें यहाँ देखनी है ना। इस पर जो है और भी जो है चीज़ें जो है थॉट प्रोसेस है क्या है, कैसे करना है, सिस्टम से आप क्या समझते हैं, सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें उसको जो है आपने बतानी है। आज तक हम लाइफ में जो है क्या कर रहे थे और अब क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या मिला सर अभी तक,
ट्राई करना है जो है अवेलेबल करने के साथ, जो शॉर्ट एंड स्वीट में उसको समझा देना है, जैसे एग्जांपल टू ले मैराथन रेस एंड देयर इम्पोर्टेंस बेनिफिट उसको बता देने हैं। फिटमेंट टेस्ट होता है, फिटमेंट टेस्ट में सर कुछ क्रिटेरिया है सर, टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा सर, ओपन टू लर्न रहना पड़ेगा आपको सर, जो आपका जो वर्किंग, आपके पास एक वर्किंग स्टेशन होना चाहिए, आपको बनाना पड़ेगा उसको, धीरे धीरे आप उसको सेट कीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी कि जैसे आपको सेटअप बताएंगे, घर में ही रह के आपको सेटअप करना है, एक फर्स्ट क्लास आपका सामने एक टेबल रखना है, टेबल के ऊपर आपका एक मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए, ये लैपटॉप होना चाहिए, स्टार्टिंग में अगर मोबाइल से करें तो मोबाइल से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, बट ठीक है, तो ये बोलेंगे कि आप एक धीरे धीरे आपको बोलेंगे कि एक लैपटॉप ले लो, लैपटॉप पे सही से जो सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जूम मीटिंग पे जब आप कोई प्रेजेंटेशन लोगे तो लैपटॉप पे ही वो की जाती है, वो आप मोबाइल से नहीं ले पाओगे जो है प्रेजेंटेशन वगैरह, तो लैपटॉप उसके लिए ज़रूरी होता है, तो लैपटॉप भी आपको लेना पड़ेगा, ये चीज़ें सारी चीज़ें ऐसा ही आपको बताएंगे, ठीक है ना सर। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, 3 से 4 साल तक लग सकते हैं, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन जो है पूछता है कि उसके बाद जो है सर 9.2 लाख आप जो है साल में मंथली या फिर वीकली, ठीक है ना, यहाँ तक कि इतना आप यहाँ इस बिजनेस से आप जो है डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो तो इतना कमा सकते हो आप, ठीक है। तो सर यहाँ तक समझ गए आप। उसके बाद सर जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मैंने जो यहाँ पर 15,000 के बारे में सोच कर आया था कि, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम होता गया, तो पता चल रहा है कि इससे और भी ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद स्मूथली लैंडिंग होगी सर, हम बात करेंगे कि कौन सा सिस्टम है जो हमें इतना देगा, और इसके बारे में हम जो है 1 घंटे से जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर। सर आप भी सोच रहे होंगे ना कि, सोच में फर्स्ट दिन मैं भी पड़ गया था ऐसा, कि सोच रहा था कि यार इतना कैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं सर कि पर्सनल लाइफ में जो है कुछ करने के बारे में जो है सोचता है, और सर हर पर्सन जॉब के अलावा जो है एक इनकम सोर्स जो है अलग से उसके बारे में सोचता है, तो सर आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस या फिर आप कोई गवर्नमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस, या इफ सेट ऑनली दैट जो है सडनली बोलना है कि सर वी विल ब्लेस्ड कि हम 3 साल में जो है यहाँ पर जो है इसका जो कॉन्सेप्ट के ऊपर, 3 साल से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और चलिए सर बात करते हैं कि सर हम 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है काम करते हैं, देन उसके बारे में अब हमें उसको एक्सप्लेन करवाना है, ठीक है ना। पहला हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग, सबसे ज़्यादा जो है ग्रो करने वाली जो है इंडस्ट्री है सर, और यहाँ पर जो है आने वाला जो है टाइम भी इसी का ही है, और इसी में जो है आगे बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है, ठीक है। सेकंडली है नेटवर्क मार्केटिंग सर, तो सर हमारे जो है सोसाइटी में जो है ये लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझ रहे हैं या गलत समझते हैं, लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये जोड़ने और तोड़ने वाला बिजनेस है सर, तो इसका मैं भी समझा था ऐसा, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं भी ऐसा ही समझा था सर, फिर धीरे धीरे लगा कि दुनिया में जो है कोई भी जो है ऐसा काम नहीं है जो कि बिना लोगों के जो है ना हो, बिना लोगों के जो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो लोग तो सर हर जगह चाहिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई और बिजनेस हो, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग द पीपल, नॉट एडिंग पीपल, ठीक है ना। तो इसके बाद रोल क्या है सर इसमें, तो सर उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लाइक माइंडेड पीपल होते हैं सर, लेकिन सर देखो भीड़ नहीं चाहिए हमको यहाँ पर, जो वैसे लोग चाहिए जो लाइक माइंडेड हो, हमारी तरह सोचने वाले हों, जो कि हमें यहाँ 50-60 लोगों की जरूरत नहीं, यहाँ से 2 से 4 मुझे क्या है लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों देखो आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है जो करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो एडवर्टाइजिंग करते हैं सर, जैसे कि कंपनी प्रमोट करती है, लेकिन क्यों करें प्रमोट सर, राइट सर, कि हम क्यों प्रमोट करें, अमिताभ बच्चन क्यों प्रमोट कर रहा है, पैसे के लिए है ना। और जो है बाकी सर एक दिन में तो नहीं कोई कमा पाओगे आप, टाइम तो लगेगा कमाने के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कमाने में तुरंत कोई नहीं कमा सकता है, ठीक है ना। तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको, ट्रस्ट बनाए रखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम लोग जो है ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं, लेकिन बट फर्स्ट टाइम नेटवर्क जो है नेटवर्किंग जो है क्यों बदनाम, क्योंकि लोग जो है इसकी जो है पावर को नहीं समझते हैं,
क्योंकि देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट की और बात हो रही है, बी टू सी एंड बी टू बी, ठीक है ना। बी टू सी खरीदना बेचना, ठीक है, नो सिक्योरिटी ऑफ कनेक्टिंग जो होते हैं पीपल ड्यूरिंग लाइक दिस दैट एंड वाई टेक एट, ठीक है। एंड बी टू बी जो होता है दोस्तों वहाँ पर, उसमें क्या होता है सर, पहली बार में जो है जो डील हमेशा जो है बी टू सी के अंदर होती है, देन उसके बाद जो है क्या होता है बी टू बी होता है, ठीक है ना। यानी कि देन उसके बाद कंपनी को जो है बस जो है प्रमोट करना होता है, ठीक है। ये इनका कहना है कि पहले आप बी टू सी पे, बी टू बी सी होता है, उसके बाद बी टू बी होता है, ठीक है ना, बिजनेस टू कस्टमर और उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ कंपनी को प्रमोट करना है। आफ्टर एवरी इस सेगमेंट पूछना है कि अब ये बोलते हैं कि अगर आप ये सामने पूछना है उस बंदे को, सामने वाले को, कि कोई डाउट तो नहीं है आपका, सर देखो स्टार्टिंग पर जो है मेरे भी अगेंस्ट जो है मुझे भी काफ़ी सारे डाउट्स आए थे इसके अगेंस्ट, मैंने भी काफ़ी सारी जो सर्च की, काफ़ी सारा देखा था, मुझे भी मेरे अंदर भी जो है काफ़ी सर्च करके मैंने, मुझे भी लगा कि यार कि ऐसा क्या है, ऐसा मैं भी करूँगा, तो मुझे भी डर लगा था फर्स्ट टाइम पर। तो हर चीज़ की जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफेक्ट होते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है तभी स्मूथ चलती है जब क्या है उसके अंदर हम सही से काम करते हैं, सही से सोचते हैं ना। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बोलेंगे सर, कि लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब लोग ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूट्यूब पे बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, तो बोलेंगे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना, सब झूठ है, ये बोलेंगे वो सब झूठ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है आपको जो है फाइट जो है होती है, वो है हर जगह फाइट करनी पड़ती है, फेलियर भी होता है। जितना आप करो, जितना आप यहाँ पर काम करोगे उतना आप कमाओगे, ठीक है ना, ये सीधी सी बात यहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि आप इस बिज़नेस करने को रेडी हो, तो आपको इसमें क्या है, ये बिज़नेस जो मिनिमम 4 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है 7 लाख 8 लाख तक जाता है, ठीक है ना, आगे भी जा सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 7 UV तक बिज़नेस होता है, ठीक है ना, 1 UV से 7 UV तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 1 UV का जो ये स्ट्रक्चर जो आपको समझाते हैं, वो 1 UV से बोलेंगे स्टार्ट नहीं होता है, हमारा 3 UV से जो है ये बिज़नेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, वीडियो बहुत लंबी होगी दोस्तों, आई होप आप लोग ये वीडियो पूरी देखोगे कि नहीं देखोगे मुझे नहीं पता, बट आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो आप सारी जानकारी यहाँ पर समझ जाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा इस यूनिट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी लाइफ भी बच सके। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।